हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं लिंक्डइन का बैनर आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बैनर लगा हुआ नहीं है, मैं रिफ्रेश करके भी आपको दिखा देता हूँ। आपको एक प्रोफेशनल लिंक्डइन का बैनर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, उसके लिए आपको जाना है कैनवा की वेबसाइट के ऊपर। वहाँ पर आपको अपना अकाउंट से लॉग इन करना है। अकाउंट में लॉग इन करने के लिए आपको लगेगा ईमेल आई डी, भी आप जीमेल से लॉग इन, उसी में जीमेल से लॉग इन कीजिए और जो भी स्टेप्स में फॉलो कर रहा हूँ वो फॉलो कीजिए। यहाँ पर काफ़ी सारे प्रीमियम भी आप ले सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो। मैं तो फ्री के ही एसेट्स यूज़ कर रहा हूँ। अगर मेरे जैसा आप इंग्लिश का बैकग्राउंड चाहिए तो जो स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या बेसिकली यहाँ पर जाके आपको सर्च बार में सर्च भी कर सकते हैं, या ये ब्राउन एंड ग्रे सिंपल पर्सनल लिंक्डइन बैनर के सर्च कर सकते हैं तो आपको ये मिल जाएगा। तो आपको एक कस्टमाइज करने के लिए ऑप्शन दे देता है। तो यहाँ पर देखते मोहम्मद पटेल ऐसा करके आ रहा है जो मैंने बनाया है। अगर आप साइट में देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं, बट मेरे को यही टेम्पलेट पसंद आ गया तो मैं इसी को मैं एडिट करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं मेरा नाम यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, और जनरल मैनेजर की जगह आप अपनी पोस्ट डाल सकते हैं, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, या जो भी आपकी पोजीशन है। यहाँ पे ऐसे ही बना रहे, या आप मैकेनिकल इंजीनियर है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो भी है आप वहाँ पर डाल दिए। कॉन्टैक्ट में आपको क्या करना है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी देना है और ई मेल आई डी भी देनी है। क्यों? क्योंकि कभी कभार अगर आपका फ़ोन ना लगे तो आप वो ई मेल के थ्रू रीच आउट कर सके। ठीक है, किसी को भी कनेक्ट करना होगा तो। इस तरीके से आप काफ़ी प्रोफेशनल लिंक्डइन बैकग्राउंड बना सकते हैं। एक ये तो एक एसेट है, आप इस तरीके से मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिंक्डइन बैनर बना सकते हैं। ठीक है, मैं इस साइड में क्यों मूव कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करेंगे ना तो वो हमारे प्रोफाइल की वजह से वो कॉन्टैक्ट नंबर दिखता नहीं है, तो इसलिए साइड में डालेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, हमारी प्रोफाइल की पिक्चर आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आपको जैसा चाहिए आप वैसा कर सकते हो। इसके बाद आपको ये डाउनलोड कर देना है सिंपली। जैसे आप सिंपली इसको डाउनलोड करेंगे तो ये लगभग रेडी हो जाएगा आपके लिंक्डइन की प्रोफाइल के लिए। जैसे ही डाउनलोड होता है आपको फिर से आपको चले जाना है लिंक्डइन के ऊपर। वहाँ पर एडिट प्रोफाइल, एडिट बैकग्राउंड प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके जो भी आपने अब एडिट किया है उसको आप पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिलेक्ट करना है, क्रॉप में जाके आप एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे, मतलब सारी चीज़ें आप एडजस्ट करके उसको अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपके बैकग्राउंड लिंक्डइन बैकग्राउंड जो कि कुछ भी नहीं था, देख सकते हैं कुछ तो एरर आया। हम फिर से परफॉर्म कर सकते हैं इसको, नहीं तो हम रिफ्रेश करके देखते हैं हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो आप फिर से आप अपलोड कर लीजिए, हो ही जाएगा। अभी आप देख सकते हैं थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट वो देख सकते हैं अभी हमारी प्रोफाइल के ऊपर मोबाइल नंबर का मोबाइल थोड़ा सा नहीं आ रहा है, बट काफ़ी हद तक ये अच्छा हो चुका है। तो उसके लिए आपको क्या करना है मैं इसी वीडियो में बताता हूँ। ये थोड़ा सा मोबाइल नंबर दिख नहीं रहा था तो मैं उसको राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, और उसको फिर से हम उसको सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। इसको डाउनलोड करना है और उसके बाद लिंक के ऊपर अप्लाई कर देना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कैसे आप इसको एडिट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा